गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अरविंद सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ और संजीव कौशिक साहब इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और देखिए जम्मू कश्मीर में ये महापर्व इस समय मनाया जा रहा है। संजीव जी सबसे पहला सवाल आपसे होगा क्योंकि हम अलग अलग मुद्दों पर जब चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर पर जब बात आती है और जब बात जब टिकती है तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आ जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा है आतंकवाद का। बीजेपी ने कोशिश किया और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं रूप भी स्वरूप जो है जम्मू कश्मीर घाटी का बदला है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और आज जब चुनावी बिगुल वहां पर फूंका गया, जब वहां के रीजन्स में चुनाव हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी या फिर वहाँ की जो रीजनल पार्टीज है किसका दबदबा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी 5 वर्ष लग गए ये चुनाव कराने में। मतलब कि 5 वर्षों तक सरकार इंतजार करती रहेगी कि बेहतर व्यवस्थाएं हों और इस लायक कम से कम जम्मू कश्मीर के आबो हवा हो जाए कि वहाँ पे चुनाव कराया जा सके। खैर अभी हो रहा है, लेकिन जमहूरियत कश्मीरियत की बात करने वाले या जम्मू कश्मीर के जो निवासी है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके मन में अभी भी कसक है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम जानते हैं कि जब धारा 370 हटाने की बात थी तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन हमने किसी कश्मीरी लोगों को या जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को जश्न मनाते हुए नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में जो कसक है। जी जी, जरा एक बड़ी खबर ले लेते हैं। वोटिंग का 1 घंटा इस समय पूरा हो चुका है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी थी। 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 जिले 24 सीटें और 219 प्रत्याशियों की किस्मत इस समय ईवीएम में कैद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। संजीव जी हम ये कह रहे थे कि लोगों में उत्साह तो निश्चित तौर पे है और लोग चाह रहे हैं कि वहाँ बदलाव हो और एक सरकार, एक वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी हुई एक ऐसी सरकार जो उन लोगों का ख्याल रखे, उन लोगों के बारे में जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनका ख्याल रखे और उनके तरक्की और उनके प्रगति के लिए सोचे, ये ज़्यादा बेहतर है। और ये सोच के वहाँ की जनता निश्चित तौर पर आज मुहर लगाने वाली है। लेकिन मूल बात यह है कि आप जो कह रही हैं कि क्या आतंकवाद पर कमी आई, इसका कुछ असर पड़ेगा इस पर, जम्मू कश्मीर में बदलाव तो हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या जो बदलाव, जिस बदलाव को हम बाहर से देख पा रहे हैं, वहाँ के लोग उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं क्या? हम जानते हैं कि 10 सालों के बाद में ये चुनाव हो रही है वहाँ पे। जो जम्मू कश्मीर, जिसे हम जन्नत का दरवाजा, मतलब जन्नत कहते थे, अभी आप उर्दू में एक शुरुआती दौर में पढ़ी, वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसका अर्थ यही है कि जन्नत कहीं है तो यही कश्मीर में है। खूबसूरती का जिक्र है जी। हाँ, तो वो कश्मीर में ही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग भी चाहते हैं कि वो वापस लौट के आए, वो दौर वापस लौट के आए। सारी कवायद इसी के लिए है, चाहे वो वहाँ के लोगों के द्वारा लौट के आए, या इस बार ये भी है कि तकरीबन 35,000 से ज़्यादा जो कश्मीरी ब्राह्मण पंडित हैं उनको भी वोटिंग की इजाज़त है इस बार, या वो भी वोट कर रहे हैं, तो उनके वापसी के भी रास्ते क्या प्रशस्त मार्ग प्रशस्त होंगे इस तरह के चुनाव के बाद में जो सरकार बनती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो अपनी मजबूती बेहतरीन तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये बात, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर एक समझौता तो किया ही है, लेकिन ये कहना कि 370 की वापसी होगी, मुझे लगता है कि शायद ये अतिशयोक्ति होगी। क्या 370 के वापसी के बगैर वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की जा सकती है, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए काम किया जा सकता है? संजीव जी यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों का मैंडेट क्या होता है, क्योंकि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया 370 की बहाली करेंगे, पीडीपी की तरफ से भी कमोबेश कुछ ऐसा ही मुद्दा, लेकिन मुझे बड़ा कन्फ्यूज ये पूरा जो स्टेटमेंट है पीडीपी का लगा है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है संजीव जी कि कहीं ना कहीं लोगों का मैंडेट क्या कहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ये एक फैसला 370 हटाने का तो लिया गया, लेकिन ये साख की लड़ाई बीजेपी के लिए भी बराबर की हो जाएगी। अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पता है कि बीजेपी आखिरी बार बीजेपी के साथ ही पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार वहां पे बनाई थी। तो एक बदलाव, जिस बदलाव की बात हम कर रहे हैं, वो बदलाव पूरे हिंदुस्तान के लोग चाह रहे हैं, लेकिन मूल बात यही है कि क्या वहाँ के निवासी इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या अभी सचमुच में इस बेहतर वातावरण में वो सांस ले पा रहे हैं, क्या अभी स्थिति वहाँ की क्या है? सरकार के तरफ से लगातार जिस तरह से सरकार ने
कश्मीर को जोड़ने का प्रयास किया, कश्मीर को बेहतर और खूबसूरत बनाने का प्रयास किया। सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास जारी है, लेकिन ये प्रयास केवल बाहरी प्रयास से या दिल्ली बैठे हुए लोगों के प्रयास से संभव नहीं है। वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के लोगों की सोच क्या है, क्योंकि वहाँ के लोग ही वोट करने वाले हैं और वो अपने क्षेत्रीय दल का अपना अपना एक सोच है, विचार है, उसके आधार पर किसको वो आगे लाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में सुहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। सोहेल जी, मैं और संजीव जी, अरविंद जी, इसी का जिक्र सुबह से लगभग कर रहे हैं, 370 की बहाली का मुद्दा हो या फिर हटाने का मुद्दा हो, वहाँ की जनता के मन में क्या है? क्योंकि मैंडेट तो उन्हीं का होगा एंड ऑफ द डे, जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो मैंडेट तो उन्हीं लोगों का होगा जो वहाँ पर वोट डाल रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती क्या है? देखिए मैम, आज जो ये एक फेस्टिवल है, इलेक्शंस का फेस्टिवल है, और आपने शायद पहले इलेक्शंस नहीं देखी है, मैं पिछले 35 ईयर से जम्मू कश्मीर को 83 ऑनवर्ड्स सारी इलेक्शंस देख रहा हूँ। इस तरह का जो आज सुबह 7 बजे जो रश हर पोलिंग बूथ पे, और हर तरह के, हर कलर के लोग और हर रिलीजन के लोग जो है लंबी लंबी कतारों में जो खड़े हो रहे हैं, और जहां जहां भी मैं विजुअल्स देख रहा हूं, हर आदमी यही बात कर रहा है, बदलाव की इलेक्शन है, बदलाव की इलेक्शन है, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव किस चीज का बदलाव? देखिए, बुलेट से बैलेट तक तो जम्मू कश्मीर के लोग पहुंच चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि उस ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर आना जो पिछला एक, मुझे लगता है 3 डिकेड से जम्मू कश्मीर में वो अलगाववाद, वो कैलेंडर्स, हड़ताल कैलेंडर्स, वो सब चीजें, और एक शकशुबा जिंदगी में हमेशा हर इंसान जो जीता था, वो सब चीजें हट के आप देख रही हैं। हर विजुअल में आपको लोगों और खासकर लेडीज की जो कतारें हैं वो इंडिकेट करती हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, और लोगों ने बदलाव कर दिया है। और उसमें जो 10 साल की सरकार है, जो मेरे भाई कह रहे थे, उसमें बहुत बड़ा योगदान है पिछली सरकार का। उन्होंने एक कंड्यूसिव एटमोसफेयर जम्मू कश्मीर में बनाया, वो एक फिजा जिसको हम खुली फिजा बोलते हैं, जिसमें हर बच्चे से बुजुर्ग तक आम जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहा है, वो बिल्कुल बनाने की कोशिश की गई है, और उसमें लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश की गई है, वो जो एक दहशत और वहशत का एक जो दिमाग में हमेशा रहता था, उसको निकालने में पिछली सरकारें कामयाब हुई हैं, और उसी का रिजल्ट है। आज इलेक्शन है, और हम नहीं सोच सकते कि यहाँ की रीजनल पार्टी का जो कैंडिडेट है इस 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीतेगा, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द टर्नआउट, ओवरऑल टर्नआउट जो 2-5% होती थी किसी जमाने में, आज मुझे लगता है 70-75% तक टच करेगी, जो मैं रश देख रहा हूँ और जो लोगों के पिछली सरकार ने जो काम किया उसका परिणाम दिख रहा है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम पीड़ित रही, आतंकवाद से पीड़ित रही, हम सब ने देखा है, कोई इससे अछूता नहीं है, लेकिन फिर ऐसे में अगर रीजनल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी दावेदारी अगर प्रबल नजर आ रही है, तो फिर बीजेपी के लिए मैंडेट क्या है? बीजेपी का, देखिए बीजेपी कश्मीर में तो उनका नाम कोई नहीं लेता था, कि शुक्र है कि आज उनके कैंडिडेट्स वहाँ खड़े हो रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका एक अपने ऑफिसेज खुल गए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बन गए। मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए इतनी बड़ी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए हर आदमी आज सोशल मीडिया से जुड़ा है, बच्चे से बुजुर्ग हाथ में मोबाइल लेके चलता है, पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे, और मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है जम्मू कश्मीर, एक तो डिमोट हो गए हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी में आगे, जो नहीं होना चाहिए था। 5 साल से, खासकर 2019 के बाद, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज जो है वो बंद है, कोई यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी नहीं है जो अपने लोगों को गवर्न कर रहा है, सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बंद थी, अब इलेक्शन हो रही है, अब लोगों को उम्मीद है कि हाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं अपनी अपनी असेंबली सेगमेंट से उनकी रहनुमाई करेंगे, जो मैं समझता हूँ ये एक ओवरऑल नरेटिव बदला है जम्मू कश्मीर में। अब भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो रोड़ों का जाल है, जो फ्लाईओवर्स का जाल है, जो कनेक्टिविटी बाकी है, उसको पॉपुलराइज करने में बीजेपी का कैडर जो है जम्मू कश्मीर का खासकर, वो उतना सक्षम नहीं रहा, वो इतना मजबूत नहीं रहा, और उसकी वजह है कि वो उसके फायदे जो है लेने चाहिए थे, ले सकते थे, नहीं ले पाए, और कश्मीर में क्रेडिबल लोग तो जुड़े ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्रेडिबल से मेरी मुराद है जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोगों की बात करते हैं, जो लोगों के एस्पायरेशंस को अच्छी तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो जुड़े नहीं, तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक है अरविंद जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सोहेल जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें सर, क्योंकि 370 तो है ही मुद्दा, लेकिन सोहेल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उससे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा संजीव कौशिक जी को और काजमी साहब को कि इन्होंने कहा और स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे काम किया है और जो काम किया है वो दिख रहा है। और हम तो अभी चुनाव में भी वादा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर भारत के अग्रणी राज्यों के श्रेणी में खड़ा होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा झूठ परोसा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चुनाव नहीं हुए। लोकल चुनाव 370 हटने के तुरंत बाद हुए थे और लोकसभा के चुनाव नियत समय पे होते हैं। केवल विधानसभा का चुनाव 370 और 35A हटने के कारण और वहाँ की परिस्थितियों के कारण थोड़े लेट से हो रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव चलाया जाता है कि वहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिले और ये वो ताकतें और वो देश ज्यादा चलाते हैं जहाँ लोकतांत्रिक मूल्य ही नहीं है, जहाँ जनता को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं है और वो संगठन बात करते हैं जहाँ पे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता। आज का जो चुनाव है और जिस तरह से आपने दिखाया लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, अपने आप में ये सिद्ध हो रहा है कि वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास है, वहाँ के लोगों को भारत के संविधान में विश्वास है और लंबे समय तक जो वहाँ पे हिंसा रही है, जो आतंकवाद रहा है और लोगों से अपील की जाती थी कि आप वोट मत करिए, भारत के निर्वाचन सिस्टम में हिस्सा मत लीजिए, वहाँ की जनता उसके खिलाफ जाकर भारत के पक्ष में और शांति के पक्ष में और सुरक्षा के पक्ष में मतदान कर रही है और हमने काम किया है, उस काम के आधार पर हमें विश्वास है कि हमें वहां बढ़त मिलेगी। रंजीत कुमार मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, स्वागत है सर आपका। रंजीत जी, जरा अपना भी मैंडेट आप क्लियर कीजिए। एनसी के साथ आप गठबंधन में लड़ रहे हैं लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं उस पर आपने चुप्पी बरती है, ऐसा क्यों? क्या बता सकते हैं कि 370 को लेकर के क्या स्टैंड है आपका? देखिए, 370 को लेकर कांग्रेस का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड रहा है और हम लोग वहां पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी से जल्दी वापस हो इसको अपने को लेकर के क्या है सर? वो तो मैं समझ गई, पूर्ण राज्य के लिए तो आप बोली रही तो क्लियर है लेकिन 370 क्लियर नहीं हो रहा है। अब चूंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आप चाहें तो कर दीजिए क्लियर। यहाँ देखिए, धारा 370 जब लागू हुआ था उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि ये धीरे धीरे घिस के स्वतः समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी का आज पूरा स्पष्ट स्टैंड रहा है और जिस पूर्ण राज्य के दर्जे को भारतीय जनता पार्टी वहां की जनता से छीनने का काम किया है उसको कांग्रेस पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की गारंटी दे रही है। दूसरी बात कि जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या रही, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी उस बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ा, इसलिए हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि 1,00,000 सरकारी नौकरी का इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए हम करेंगे और वहां के परिवार के लिए 25,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज और हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की भी बात हमने कही है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा छीन चुकी है कांग्रेस पार्टी उसको वापस दिलाएगी और लोग अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्या को विधानसभा के पटल पर रखेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है संजीव जी, अब देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस हैं, हम सबने देखा है क्योंकि इस बार कांग्रेस का दाव कैसा रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के जब चुनावी मैदान में कांग्रेस है संजीव जी, तो क्या लग रहा है आपको कांग्रेस, क्योंकि आप क्या मानते हैं बिग ब्रदर कौन आपको लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पे दोनों साथ आ जाने के बाद में एक अलग मजबूती तो बनती ही है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भले ये बात, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछ रही हैं लेकिन सच बात यह है कि ये सवाल पूछना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि उन्होंने 370 के वापसी की बात की है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती चली आई कि हम मजबूत चाहते हैं कि वहाँ एक सरकार बने और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो किसी से भी जब हम समझौता करते हैं किसी भी पार्टी से तो उसकी अपनी समझ सोच के साथ अपनी उसकी घोषणा पत्र होते हैं, हमारी अपनी होती है। साझा में यदि इस तरह की बात आए तब उस पर सवाल किया जा सकता है किसी और पार्टी के विचारों के बारे में। तो दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, अलग अलग विचारों के साथ लड़ती है लेकिन अभी समझौते के आधार पर वो वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सबों के मन में जो चूँकि लोगों के बीच में एक मैसेज तो गया ही है कि आपने जब 370 हटाया था तो किस तरह से वहाँ के लोगों को एक तरह से
बंद कर दिया था, चुने हुए सरकार को किस तरह से, चुने हुए लोगों को किस तरह से नज़रबंद कर दिया, तो एक गुस्सा, या बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जो जेल में बंद हैं अभी भी, तो ये एक मैसेज है उन लोगों को भी कि वहाँ के लोकल लोगों को कि हमारे साथ ज्यादती की गई, और वो जाति की बात वो आज भी करते हैं कि हमारे साथ जाति की गई सरकार के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत राहें आसान नहीं वहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम जमहूरियत कश्मीरियत को बचाने की बात करेंगे, जो पहले भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन इससे उलट जो व्यवहार दिखा उससे एक रोष तो है वहाँ के लोगों के बीच में। और जिस तरह से तरक्की करना चाहिए, वहाँ के पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने कहा भी कि जो रास्ते बनने चाहिए, जो दिखने चाहिए, उतना डेवलपमेंट वहाँ पर दिखा नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया गया, या जिस वजह से भी हो, लेकिन जब दोनों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसमें भाजपा निश्चित तौर पे पिछड़ती हुई दिखाई देती है। तो अब चूंकि वहां के लोग हैं, लोकल लोग क्या सोचते हैं, उनके जेहन में क्या है, क्या वो सचमुच में केंद्र के द्वारा उठाए गए कदम को बेहतर मानती है, यदि 100% यदि उन्हें अच्छा लगेगा तो वो मुहर लगाएगी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ जाति की गई, तब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राहें आसान नहीं। चलिए ठीक है, ये तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि होता क्या है, क्योंकि बीजेपी बड़े फेवरेबल सिचुएशन में खुद को यहाँ पर पा रही है। सोहेल जी, जरा फटाफट ये बता दीजिए कि अलगाववादी नेताओं का जिक्र जो वहाँ की रीजनल पार्टी से उन्होंने खूब किया है, तो क्या आवाम क्या चाहती है वहां पे, उनके जहन में क्या है, क्योंकि अगर ये मुद्दे पटल पर रखे जा रहे हैं तो कोई तो ऐसी बात है जो वहां की रीजनल पार्टीज बड़े अच्छे से समझती है। देखिए, ये पहला इलेक्शन है जहां मैं समझता हूँ सचमुच में इलेक्शंस दिख रहा है, और आपने देखा होगा जितने भी स्टालवर्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, जो फारूक साहब हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा जी हैं, उनकी बेटी है, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं, जहां 4 बजे के बाद कभी कश्मीर में कंपेनिंग नहीं हुआ करती थी, आज ये जितने स्टालवर्ट्स हैं गाड़ियों की छतों पर बैठ के वोट की।